चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करना, अगर बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो आप फिर आप सोल्यूशन देख सकते हो। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ और क्या शॉर्टकट ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो क्या बेसिक चीजें हैं, तो देखिए यहां पे मैं टोटल नंबर लिखता हूं, टोटल नंबर, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। देखिए टोटल नंबर का मतलब क्या, 2 से तो कम होगा नहीं, अगर 2 हुआ तो उसके लिए लिखेंगे एसपी, ठीक है। 3 होगा तो लिखेंगे sp2, s1 और p2, ठीक है। उसके बाद 4, अगर 4 आता है तो क्या लिखेंगे sp3। 5 आता है तो हम लोग लिखेंगे sp3d। अब तुम लोग इसे d क्यों लिखे, क्योंकि p जो है वो मैक्सिमम 3 ही लेगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं np मैक्सिमम जो रहेगा हमारा वो 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर जैसे 6 आया तो उसके लिए क्या लिखेंगे sp3, तो 3 और 1 4 हो गया, बचा कितना 2, तो d2 हो गया, ठीक है। वैसे 7 के लिए अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे sp3, 3 और 1 4 हो गया और बच कितना रहा 3, ठीक है। 8 के लिए लिख दिया तो sp3d4, ठीक है। और d में जो मैक्सिमम, सभी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, d में जो मैक्सिमम 5 जाता है, ठीक है। इन डी मैक्सिमम 5 जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यूज होगा, बट देख लेना आप लोग। और शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो बताता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, डेट इज z = फॉर्मूला है z = 1/2। 1/2 के बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस क्या करना है आपको, नेगेटिव चार्ज, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड करना है। तो यहां पे लिख लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऐड करना है क्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम क्या क्या होता है, एच हो गया, सीएल हो गया, बीआर हो गया, एफ हो गया, ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। ये शॉर्टकट अगर आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, किसी का भी सेंट्रल एटम का तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो विदाउट एनी डायग्राम। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो शॉर्टकट एकदम मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता सकते हो कैसे। तो चलिए ये बताते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन NH3। तो आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन किसका बताना है, एन इन NH3, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यूज करके करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना ऊपर में, z = 1/2 नंबर ऑफ, जितने बार लिखोगे याद हो जाएगा, समझे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। फिर प्लस क्या करना था हमको, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो, ठीक है। फिर माइनस क्या करना था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो, ठीक है। फिर ऐड करना क्या था, मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ
वैलेंट एटम, ठीक है। अब क्या क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं, हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, कलर चेंज कर लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन था एन इन NH3, तो एन जो आपका सेंट्रल एटम है यहाँ पे, ठीक है। तो एन का एटॉमिक नंबर कितना है, एन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, उसको लिखते कैसे, 2.5। तो ये जो 5 है वो आपका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे, Z इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो 5 है भैया, 5 लिख दिया, ठीक है। प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज है इसमें, NH3 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नहीं है पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, स्किप मारो। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अब देखो मोनोवैलेंट एटम देखो H है, H है ना, यहाँ पे H प्रेजेंट है, कितना है 3 है, तो 3 ऐड कर दो, देखो सो सिंपल। तो यह 5, 3, 8, 2, 4। अब ये 4 को हम लोग लिखेंगे कैसे, अभी बताया आप लोग, 4 है तो मेरा sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के लिए हो गया हमारा sp3, तो कितना इजी है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो जहां पे sp3 दिखेगा टिक कर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ p इन pcl5। चलिए करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है p इन pcl5, ठीक है। तो p का जो फिर से वही एटॉमिक नंबर आपका 15 है, इसको लिखेंगे कैसे, 2, 8, 5। तो 5 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1/2, तो 5 हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो हो गया 5। प्लस अब हमारे पास यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, स्किप मारो, कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, सीएल मेरा मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है, कितना है 5, ऐड कर दो, 5, 5, 10, 10/2, 5। और ये जो 5 आया, तो 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, एस 1 के लिए, ठीक है, पी में मैक्सिमम 3 जाएगा, 3, 1, 4 हो गया, एक ही बच रहा है, तो डी लिख देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस इन SF4, ठीक है, कह रहा है एस इन SF4, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लो क्या है, 16, तो इसको कैसे लिखोगे, 2, 8, 6, तो जेड इक्वल्स टू 1/2, ये 6 को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं, हटाओ, मोनोवैलेंट कितना है 4, तो 4 लिख दो, तो हो गया 10, 10/2, तो ये हो गया 5। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 5 को ऐसे लिख रहे थे, sp3d, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा आसान, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ si इन sif4, ठीक है, si इन sif4, ठीक है। तो ये जो si है इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 14, ठीक है, लिखेंगे इसे 2, 8, 4, तो z इक्वल्स टू 1/2, तो ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4+, 4+, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, स्किप मारो, f कितना है 4, 4 लिख दिया, तो 4, 4, 8/2 आ गया 4, तो इस 4 को कैसे लिखेंगे, sp3, ठीक है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन देखते ही आना, जहां पे मिलेगा टिक करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ c इन CO3 2-। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला आ गया पार्ट, चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे, एकदम सिंपल है, वही फार्मूला लगना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा था, कह रहा है c इन CO3 2-, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1/2, तो हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, सबसे पहले कार्बन का तो सबको पता होगा, कार्बन का 6 होता है, तो कैसे लिखेंगे, 2, 4, तो ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 प्लस। अब देखिए अब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है या माइनस करना है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, तो कितना नेगेटिव चार्ज है भाई उसमें, नेगेटिव चार्ज है 2, ठीक है।
उसके बाद आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, स्किप मारो, उसके बाद मोनोवेलेंट। तो देखो ये यहाँ पे ओ है ना, तो मोनोवेलेंट तो है ही नहीं, तो उसको स्किप मार देंगे। ठीक है, तो यही रहेगा 4+2, तो 4+2 आपका कितना हो गया, 6/2, तो ये हो गया 3। अब 3 को कैसे लिखोगे, sp2। ठीक है, 6, चलिए 6 वाला करते हैं। 6 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन NO3 -1 है, पावर -1। ठीक है, कर लेंगे। तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, आपको बोल रहा था एन इन NO3 -1। देखो अगर आप लोग को आने लगा ना, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार करके देखो कि तुम्हारा और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 7। कैसे लिखेंगे, 2.5। ठीक है, तो Z=1/2, ये 5 आ गया। ठीक, उसके बाद नेगेटिव साइन है तो +1 कर देंगे। अब ये तो काउंट होगा नहीं, वो है, तो ये हो गया 5.16/2, ये हो गया 3, इसका भी सेम क्या हो गया, sp2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ेनॉन इन XeF4। ठीक है, तो ज़ेनॉन के बारे में पता ही होगा, क्या है, नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ना, ग्रुप 18 का है भाई, है ना। तो XeF4, और भी कुछ इसके हैं, लाइक कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोबल गैस है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो Z=1/2, वो जो 8 की बात कर रहा था मैं, 8+, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, मोनोवेलेंट एटम है, कितना है, 4, तो 8 4 12, तो ये हो गया 6। 6 को कैसे लिखेंगे, तो देखो sp3, 4 हो गया, 4 2 घट रहा है, d2, d में कितना, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, बताया था। ठीक है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ेनॉन इन XeO3। चलिए करते हैं XeO3 का क्वेश्चन नंबर 8। XeN क्या निकालना था, XeO3। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, Z=1/2। ठीक है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, पता है हमको, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है और ना ये मोनोवेलेंट, तो बस ऐसे ही रहेगा, तो ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 4, और 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, sp3। क्लियर है, ठीक, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम सर लिख दिया तो होना ही है, नहीं है, स्किप मारो। ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeOF4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10, दो बचा है ना, ठीक, 9 तो कर ही रहे हम, 9 का क्या था, XeN XeOF4। ठीक है, ये निकालना, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब यहाँ पे आपको पता है 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, स्किप मारो, वो आपका मोनोवेलेंट है नहीं, ये है आपका 4 4 ले लिया, तो 12/2 दैट इज 6। अब 6 को कैसे लिखेंगे हम लोग, sp3d2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम बड़ा ही अच्छा शॉर्टकट है ये, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeN XeO2F2। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ज़ेनॉन का मैंने इसलिए ज्यादा दिया ना, बच्चे लोग काफी डरते हैं एग्जाम में, दिख गया और भाई ये तो नहीं बनेगा, हार्ड है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखो, आराम से कुछ भी बनेगा। ये हो गया 8+, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, स्किप मारो, वो है नहीं आपका, एफ है, 2 है, तो ये हो गया 10/2 दैट इज 5, और 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, एस 1 के लिए, पी 3, 3 1 4, बच कितना रहा, 1 ही, तो डी लगा दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो सारा कुछ समझ में आया होगा, एकदम सॉल्यूशन मैंने अच्छे से बताया, एक एक करके सारा कुछ बताया आप लोगों को। ठीक है, बस इसमें आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए,
ठीक है। और लाइक ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम इजिली कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।